अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं फ्रोस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड। फ्रेंड्स एवरीवन, जैसा कि आज की जो हमारी टॉपिक है वो है मार्किंग के बारे में। स्टार्टर मार्किंग हम किस तरह से करते हैं वो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, डिटेल्स इस वीडियो में बताऊंगा। मैं आपको पूरी वीडियो से आपको देखना है, शुरू से लेकर आखिरी तक आपको वीडियो देखना है। कुछ भी डाउट रहेगा तो नीचे कमेंट सेक्शन रहेगा, नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको सबको शेयर करना है, जितने भी इंजीनियर्स हैं बिल्डिंग ओनर हैं सभी को शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। आने वाले समय में इस तरह से आपको टेक्निकल इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल से आपको मिलते रहेंगे। चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले यहाँ पे बता रहा हूँ यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मार्किंग किस तरह से यहाँ पे दिया गया है। कॉलम के लिए 40 mm कवर होता है, ओके। तो यहाँ पे देख लीजिए कितना कवर है ये, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए 40 mm यहाँ पे कवर मिल रहा है कॉलम के लिए, और यहाँ पे लगभग 30 mm यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा कवर नहीं मिल रहा है, 40 mm मिल रहा है, यहाँ थोड़ा सा कम मिल रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए कवर किस तरह से यहाँ पे मिलता है, देख लीजिए यहाँ पे कवरिंग इस तरह से। ये जो लाइन दिख रही है ना, यहाँ पे जैसे कितने कॉलम आ रहे हैं देखिए, यहाँ पे ये कॉलम एक है, ये कॉलम दो है, ये कॉलम तीन है। मतलब यहाँ पे जो कॉलम है, कॉलम का जो फ्रेम है यहाँ पे एक है, बार्स का जो फ्रेम यहाँ पे एक है, वहाँ पे दो है, वहाँ पे तीन है। तो हमें तीनों आफ्टर कंक्रीटिंग होने के बाद हमें तीनों एक लाइन में चाहिए। जब हम कंक्रीटिंग करते हैं, शटरिंग लगा के हम प्लम्ब चेक करते हैं और डोरी भी चेक करते हैं। जैसा कि समझ लीजिए, इसको शटरिंग लगा दिया है चारों साइड से और कंक्रीट भी फिलअप कर दिया है। कंक्रीट फिलअप करने के बाद इसका हम प्लम्ब चेक करते हैं, वर्टिकल है क्या नहीं, ये वाला वो वाला वो वाला वो वाला वर्टिकल चेक करते हैं। उसके बाद डोरी डाल के देखते हैं कि लाइन में है क्या नहीं है। तो डोरी लाइन में है देखते हैं नहीं, आप देखते हैं ना डोरी लाइन में है क्या नहीं कंक्रीट करते टाइम पे। तो उससे पहले आपको ये मार्किंग इम्पॉर्टेंट है। मार्किंग जितना आपका सही रहेगा वो ऊपर भी आपका उतना ही काम सही रहेगा। तो देख लीजिए यहाँ पे कितना कवर मिल रहा है, इतना कवर मिल रहा है, आगे जाके देखेंगे। इस तरह से मार्किंग करके आपको काम करना है। देख लीजिए यहाँ पर भी कवर मिल रहा है, और इसको भी देख लीजिए यहाँ पर कवर मिल रहा है। इसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए फिर कॉलम क्या है, यहाँ पे एक कॉलम है। पूरा वीडियो आपको देखना है, भगा के स्किप करके देखेंगे तो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। लास्ट में मैं आपको एक पॉइंट बोलने वाला हूँ, वो लास्ट में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप और एक पॉइंट देख लीजिए, यहाँ पे एक कॉलम है वहाँ पे एक कॉलम है। देख लीजिए यहाँ पे भी लाइन जा रही है, कवर मिल रहा है। आफ्टर कंक्रीट होने के बाद भी एक ही लाइन में रहना चाहिए, आफ्टर कंक्रीट होने के बाद भी। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लिए, अच्छा मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से कॉन्सेप्ट समझिए। और देखिए वहाँ पे एक कॉलम है, यहाँ पे एक कॉलम है, ये वाला एक कॉलम है, वो वाला एक कॉलम है। तो देखिए लाइन जा रही है ना इस तरह से, ये लाइन का मतलब ये है, ये लाइन इस तरह से जाना चाहिए। जब आप कंक्रीटिंग करते हैं, कंक्रीटिंग करते टाइम पे जब आप डोरी डाल के देखेंगे ये कॉलम से वो आखिरी के कॉलम तक, तो डोरी डाल के देखेंगे तो एक ही लाइन में दिखना चाहिए। और आपको प्लम्ब करके कंक्रीटिंग करना है, जब कंक्रीटिंग करते हैं कंक्रीटिंग के दौरान पर आपको प्लम्ब भी चेक करना है, गुंडू साहू बोलते हैं उसे, और वो चेक करना है आपको। देखिए यहाँ पे, और जो मैं आपको बताया था ना लास्ट में एक पॉइंट बताता हूँ बोल के, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। देख लीजिए यहाँ पे कवर कितना मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कॉलम्स में जो बार्स दिए गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे जब आप मार्किंग करते हैं तो आपको और एक सिंपल एक स्टेप है यहाँ पे, वो होता है, वो आपको देना होता है वहाँ पे आपको स्टार्टर। तो स्टार्टर भी आपको देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला इतना पोर्शन है, यहाँ पे आपको 90 डिग्री मिल जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए रेक्टेंगल हो रहा है, यहाँ पे इस तरह से आके यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे आप रेक्टेंगल से लाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं, रेक्टेंगल लाके अपोजिट साइड में। अगर आप ये जैसा ये फर्मा लाके आप यहाँ पे स्टार्टर फिलअप करेंगे, जैसा कि मिनिमम एटलीस्ट 3 इंच का 75 mm का कर सकते हैं, या फिर 150 mm का भी आप कर सकते हैं स्टार्टर। तो बेस्ट रहेगा मिनिमम आप 75 mm 100 mm का स्टार्टर डाल लीजिए। सबको डालने से ये होता है आपको
जब आप शटरिंग लगाते हैं वहाँ आसानी होती है, वहाँ आसानी होती है। जैसा कि यहाँ पर सभी जगह मार्किंग किया गया है, देख लीजिए यहाँ पर भी मार्किंग किया गया है। ये जो लाइन से आपको स्टार्टर को प्लेस करना है, जो लाइन दिख रहे हैं यहाँ पे, ऐसे में एक लाइन है मार्किंग की, ऐसे में एक लाइन है मार्किंग की, वहाँ पे आपको स्टार्टर को प्लेस करना है, स्टार्टर को रखना है। जो स्टार्टर का जो फर्मा होता है, चाहे वो वुडन का हो, लकड़ी का बना हुआ हो, या फिर लोहे का बना हुआ हो, जो भी है आप यहाँ पे स्टार्टर का फर्मा ला के रख देंगे। कालम का साइज़, जैसे कि कालम का साइज़ समझिए 15 इंच बाई 9 इंच, कालम का साइज़ 15 इंच बाई 9 इंच। अब वो आप जाके बोल देंगे तो शॉप पे आपको एक दिन के लिए वो रेंट पे दे देंगे, एक दिन के लिए आपको रेंट पे दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लगा के फर्मा लगा के सभी को ये कॉलम को जितने भी यहाँ पे कॉलम्स आप देख रहे हैं ना, सभी को लगा के क्या कर सकते हैं, स्टार्टर करके, स्टार्टर का कंक्रीटिंग करके। स्टार्टर कंक्रीट ये जो है कॉलम का इनिशियल पार्ट होता है। जब मार्किंग होता है ना, मार्किंग के बाद स्टार्टर कंक्रीट होता है, फर्स्ट मार्किंग, सेकंड स्टार्टर कंक्रीट, ये दो पार्ट होने के बाद थर्ड पॉइंट होता है शटरिंग, कॉलम का शटरिंग करना होता है। शटरिंग करके, अच्छा सा शटरिंग करके, उसके बाद कंक्रीटिंग फिलअप करते हैं। तो स्टार्टिंग के जो पार्ट्स होते हैं, स्टार्टिंग के जो स्टेप्स होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट, ज़रूरी होते हैं, हमेशा आपको वहाँ पे ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली मार्किंग में, मार्किंग के बाद स्टार्टर कंक्रीट का। तो यहाँ पे स्टेप्स मैं आपको बता दिया हूँ किस तरह से, जैसा कि जो भी आपको डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है। अगर और शाम को भी लाइव आएंगे 9 से 11 बजे के बीच में, 9 PM to 11 PM, वहाँ पे भी आप लाइव में सेशन में डाउट क्लियर कर सकते हैं। आज की वीडियो कैसी थी बताइए ज़रूर। तो मिलते हैं इसी तरह से टेक्निकल इंफॉर्मेटिव वीडियोस में। तो कैसी थी वीडियो आज की बताइए ज़रूर, अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। जो भी डाउट रहा तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से हम मिलते रहेंगे न्यू वीडियोज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।